गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सिलीगुड़ी। तो कल रात हम लोग 2 बजे सिलीगुड़ी आए थे और होटल बुक किया था। और आज का जो प्लानिंग है, आज हम जाएंगे इधर से मंगन, जो 131 या 32 किलोमीटर के आसपास है। 5 घंटा का टाइम लगेगा और अभी टाइम हो चुके हैं 10 बज गए सुबह। तो चलो पहले बाहर जाके कुछ ब्रेकफास्ट करते, उसके बाद फिर रोड पर निकलते हैं। और भाई, कल रात को हम जो इस होटल पर था, वो का द होटल द मैपल, तो वे होटल में काम चल रहे अभी प्रोसेसिंग है, मतलब बाहर में कुछ एक्स्ट्रा काम चलता ना हमेशा। और इधर हमारा बाइक पार्किंग है और इधर का लगेज वगैरह जो था खुल के अंदर रखे थे, और टॉप बॉक्स था, और हमारा भाई का सुकेश भाई का सीबीआर परफॉर्मेंस का भी अच्छी मिल रहा है सीबीआर का, और फर्स्ट टाइम आ रहा है सीबीआर लॉन्ग लॉन्ग ट्रिप पे, और हमारा देवी भाई का पल्सर 220। तो बजाज का 2 बाइक है और होंडा का 1 ही बाइक है। तो बजाज में काफ़ी इंटरेस्ट है क्योंकि बजाज इंडिया में एक कम मेंटेनेंस का बाइक है, कम मेंटेनेंस में हाई सीसी मिलता है बजाज पे, यार बहुत ही अच्छा। अच्छा, शुरुआत इस ट्रिप शुरुआत करने के पहले मैं पहले बताता हूँ, मोटुल लुब्रिकेंट का ये ट्रिप है, आप मान सकते हो। और मोटुल का लुब्रिकेंट के बारे में तो मैं लास्ट एपिसोड में बताया था और इस एपिसोड में बता रहा हूँ। जो परफॉर्मेंस मुझे मिल रहा है 7100 20W50 मेरा ग्रेड है NS200 पे, बहुत ही अच्छा मिल रहा है मुझे परफॉर्मेंस, और चेन क्लीन तो ज़बरदस्त, उसके बारे में बोलना ही नहीं है कुछ। तो चलो अभी रोड पे मिलते हैं, पहले हेलमेट वेलमेट चढ़ा के फिर चलो निकलते हैं। तो गाड़ी में कोल्ड स्टार्ट ऑलरेडी कर चुका हूँ और मुझे भी मोटुल का ये चेन क्लूप मारना है चेन पे। यूज़ करने के पहले ना थोड़ा सेक कर लेना, उसके बाद सेकंड गियर। एक्चुअली चेन क्लीन नहीं किया क्योंकि चेन क्लीन करने का ब्रश नहीं है, तो इसलिए सिर्फ ल्यूब भी डाल दिया, तो इसमें ही काम चल जाएगा। जो परफॉर्मेंस मिल रहा है बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस मिल रहा है। चलो इसको अंदर रख देता हूँ। और यह मोटुल का 7100 का 20/50 का ग्रेट, चलो अभी लगा देता हूँ इसको। कहीं पर जाके आगे पहले ब्रेकफास्ट करना है क्योंकि भूख भी लग गया यार। सो भाई साहब, फिर से निकल चुका हूँ रोड पे। आज है कितना तारीख होगा, आज 18 तारीख है। हाँ, आज 18 तारीख है और शनिवार है। शनिवार को हम निकल गए सिलीगुड़ी से टुवर्ड्स मंगन। अच्छा, गूगल जी बता रहा है सीधा जाके लेफ्ट लेना है, तो मैं भी सीधा जाके लेफ्ट ही लूँगा। और यही है लेफ्ट। कल रात को हम उस साइड से आए थे और पीछे जाके यूटर्न लेके इस होटल पे रुके थे। कल रात को यार बहुत तकलीफ हुआ, मतलब ठंड, एक्चुअली तो बहुत ठंड लग रहा था कल रात को। मतलब जस्ट राइडिंग जैकेट है, अंदर कुछ नहीं था, नॉर्मल एक टी शर्ट था, फुल स्लिप टी शर्ट था बस, और कुछ नहीं था। तो मतलब फट गया है यार कल सिलीगुड़ी। कितना दिन बाद आ जाए सिलीगुड़ी, ज़्यादा दिन नहीं है, 1 महीना हुआ है, क्योंकि लास्ट महीने पे जब आए थे तो न्यू जलपाईगुड़ी से सिलीगुड़ी होके गए थे गैंगटॉक, और फिर से अभी हो। सुबह का वेदर काफ़ी अच्छी है और धूप का जो पावर है ना बहुत तेज है। हुंडई अल्काज़ार बहुत अच्छा गाड़ी है यार। टोटो भाई मुझे साइड दे दो थोड़ा। आ गया पहाड़ पे फिर एक बार 1 महीना बाद, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत खुशी हो रहा है क्योंकि मुझे इधर से पहाड़ दिखने को मिला है। और इधर से मंगन 110 किलोमीटर के आसपास है और 4 घंटा टाइम लगेगा, तो 4 घंटे पर मंगन पे मिलेंगे। लेकिन मंगन तक जो भी हम लोग शूट करेंगे तो पूरा वीडियो एंड तक देखो, और चैनल पर नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, मज़ा आ जाएगा। और कमेंट में से ज़रूर बताओ
वीडियो कैसा रहा है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो बाइक पे राइड सर्च करो, इंस्टाग्राम चैनल पे जाके फॉलो करो, और फेसबुक पेज भी है बाइक पे राइड नाम से, उसमें भी फॉलो करो। चलो देखो, तुम्हारा भाई फिर एक बार पहाड़ पे आ गया है, तो आप सभी लोग को पहाड़ पे मैं स्वागत करता हूँ मेरे तरफ से और मेरा ये बाइक की तरफ से और मोटर की तरफ से। तो काफ़ी अच्छी लग रहा है फर्स्ट व्यू इस ट्रिप का। एक प्लेस पे रुका हुआ और इधर ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो ये भैया का छोटा सा सॉक्स और हमारा बाइक है और डबू भैया का बाइक है और सुकेश भाई पीछे है। मैंने पहले सोचा था वो आगे चलाएगा लेकिन वो फ़ोन किया था, वो पीछे ही रह गया, वो पीछे आ रहा है, उसके लिए वेट करो। तो मैंने सोचा ठीक वेट क्यों करना है, पहले ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। ब्रेकफास्ट में पहले एक प्लेट मोमो लिया था और उसके बाद भैया ने पका रहा है चाउमीन, चिकन चाउमीन हो रहा है इधर। तो आज का ब्रेकफास्ट जो है कंप्लीट हो चुके हैं और सुकेश भाई के लिए वेट कर रहा था, तो वो आगे आ गया और आगे वो लोग चला गया था, और तो हम ही निकलेंगे अभी। तो थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि वो लोग थोड़ा आगे निकल गया है। और खाना जो था सुबह का ब्रेकफास्ट, मतलब हम अब लोगों को सभी को पता है हमारा ब्रेकफास्ट और जो लंच होता है ना वो एक ही टाइम पे हो जाती है। तो जो लिया था हम लोग एक प्लेट मैगी, और एक प्लेट मैगी ने तीन आदमी मिलकर शेयर किया था, सुकेश भाई उस टाइम नहीं था तो इसलिए उसका मैगी हम लोग रख दिए थे, वो आके खा लिया है। और दो प्लेट चाउमीन लिया था, दो प्लेट चाउमीन को तीन आदमी मिलकर शेयर कर दिया। तो शेयरिंग में क्या होता है ना, शेयरिंग में थोड़ा खर्चा भी बच जाता है और पेट भी भर जाता है, ठीक है, क्योंकि राइड का टाइम तो पता ही होगा फुल पेट एकदम भर के खाना नहीं है, क्योंकि फिर नींद आ सकता है। तो अभी थोड़ा फटाफट जाने पड़ेगा क्योंकि भाई लोग हैं। अच्छा सॉरी एक बात तो भूल गया, मोबाइल होल्डर नहीं लगाया है। तो चलो इधर मैं लगा देता हूँ मोबाइल होल्डर, सॉरी मोबाइल होल्डर तो लगा हुआ है, सिर्फ लगाना है मुझे फ़ोन लगाना है, चार्ज देना है, चार्ज में देना है। अभी सर्च करना है मंगन ओके MANGAN मंगन मिला है, मंगन ओके सिक्किम मंगन मिल गया मुझे। देखो ट्रैफिक देख लो एक बार, 10 मिनट से इधर खड़ा हूँ, 10 मिनट से एक्चुअली इधर वो जो पिछली वाली एपिसोड, मतलब पिछली वाली जो मेरा सिक्किम ट्रिप देखा था वो कार पे, तो अब लोग को मालूम होगा जैसे कुछ दिन पहले लैंडस्लाइड हुआ था ना इस रास्ते में, बहुत लैंडस्लाइड हुआ था, इसके लिए काम चल रहा है अभी, मतलब रास्ता ठीक चल रहा है, ठीक हो रहा है अभी, तो इसके लिए ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है अभी। तो मेरा मतलब लेफ्ट साइड में जो रिवर है ये थोड़ा गार्ड हो गया। अच्छा ये होटल पे लास्ट टाइम जब आया था लंच कर रहा था, और मेरा लेफ्ट साइड पे है रिवर, तो उधर चल रहा है अभी राफ्टिंग। लास्ट टाइम जब आया था ना तो एक एक्सीडेंट भी हुआ था इधर ही, मतलब थोड़ा आगे से स्टार्ट होता है तो उधर से शायद मतलब पानी का फ्लो जो फ्लो होता है ना, तो उस फ्लो इतना ज़्यादा था और इतना मिडिल पे इतना गड्ढा वगैरह था, मतलब पत्थर था, तो उसमें टकरा के जो बोट था ना वो पलटी हो गया था, तो उसमें प्राय 6-7 लड़का या लड़की था, तो मतलब उसका चित्कार इतना ज़ोर से कर रहा था ना यार, हम लोग को भी डर लग गया था, मतलब क्या हुआ यार। तब फिर बाद में जाके जब देखा जो हाँ राफ्टिंग करने का टाइम एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन ऑल आर सेफ थैंक यू। और ये देखिए थोड़ा मुझे लेफ्ट साइड जाने दे हो पहले, एक मिनट अभी दिखाता हूँ लोगों को। देखो ये है वही रिवर जहाँ पे राफ्टिंग होता है, और राफ्टिंग थोड़ा आगे से स्टार्ट होती है, और इधर 2-3 बोट अभी राइट पे चल रहे हैं। तो भैया अभी लंच करना है, तुम्हारा भाई को भूख लग गया है, अभी टाइम हो गया 2 बज गया है और 75 किलोमीटर, 2 घंटा 50 मिनट लगेगा, मतलब 5 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे। और
टिल्लो राइट बहुत ही अच्छा है। और इधर खाना है, कुछ होटल का नाम नहीं याद है, लेकिन ये होटल याद है मुझे, पहली बार जब 2017 में या 18 में आया था ना, उस टाइम इसी होटल में खाना खाया था, तो टेस्ट बहुत बढ़िया था। हर टाइम एक ही होटल पे खाना नहीं चाहिए, कभी कभी चेंज होता है, इसलिए नज़र आएगा चलो इसी होटल पे रुकते हैं, पहले एक मेमोरीज रहते हैं। पेट तो भाई भर गया है और राइड करने का मज़ा आएगा अभी। आज क्यों चाल खा पता है? क्योंकि आज रास्ता ज़्यादा नहीं है, 75 किलोमीटर ओनली है। और तो मैंने सोचा ठीक है चलो एक दिन पहले दोपहर पे चावल खा लेते हो, क्योंकि आज तो पक्का हमको दोपहर में भी नींद नहीं आएगा, क्योंकि कल रात को बहुत अच्छी खासी नींद आया था। तो ये है मंगन जाने का नया रोड, मतलब मेरे लिए नया रोड है। तो एक्चुअली ये रोड पे मैं पहली बार राइड कर रहा हूँ और 47 किलोमीटर है। गूगल जी बोल रहे 2 घंटा लग जाएगा, पता नहीं क्यों 2 घंटा लगेगा, देखना पड़ेगा, रास्ता साहब ख़राब है शायद इसलिए बता रहा है, लेकिन 2 घंटा का तो रास्ता नहीं है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा। ओह कितना धूल है यार, ग्लास उतारना पड़ेगा। वाह क्या ब्यूटी है यार। एक्चुअली बेसिकली क्या है ना, लद्दाख घूमने के बाद ना, मतलब थोड़ा सा कुछ मिस कर रहा हूँ मैं। क्या मिस कर रहा हूँ आप लोगों को पता है? मैं बताता हूँ, थोड़ा रुक जाओ, ये रोड थोड़ा मुझे क्रॉस करने दो। वाह मेरा टॉप बॉक्स का जो बोल्ट है वो भी एक बोल्ट खुल चुका है, तो उसको भी लगाना है कहीं पे जाके। तो हाँ अभी मैं बताता हूँ, अभी थोड़ा फ्री क्यों हुआ हूँ मैं, एक्चुअली उस टाइम उधर थोड़ा गाड़ी बड़ी था ना, इसलिए थोड़ा मैं मिस कर रही थी वो जो स्काई है, वो मतलब आसमान का जो कलर है ना, वो कलर मैं बहुत मिस कर रहा हूँ यार लद्दाख में। मतलब मैंने जितना राइड किया मेरा लाइफ में, मतलब लद्दाख जैसा स्काई ना मुझे कहीं पे भी नहीं मिला, कहीं पे भी नहीं मिला, तो वो मैं बहुत मिस करता हूँ अभी। और फिर लद्दाख को भी मिस कर रहा हूँ, लेकिन अभी सिक्किम पे हो तो सिक्किम को भी प्यार करना पड़ेगा। देखिए सिक्किम को भी मैं बहुत प्यार करता हूँ, हर एक जगह का एक अलग अलग ब्यूटी होता है, मैं हर बार बोलता हूँ एक ही बात। XUV 500 महिंद्रा का मुझे काफ़ी अच्छी लगा, XUV 700, लेकिन उतना पैसा नहीं है भाई, उतना पैसा होगा तो फिर कब खरीद लेता। पैसा होगा तो कुछ नहीं होगा, सब कुछ होगा। तो कुछ इवनिंग का सीन कुछ ऐसा ही है आगे, और इधर भी बहुत लैंडस्लाइड हुआ था, क्योंकि अभी भी रास्ता का काम चल रहा है और रास्ता ही नहीं है। देखो मतलब पूरा अपरोडिंग जैसा रास्ता है, मतलब पूरा नहीं, कभी कभी ओ माई गॉड यार, फास्ट एक वाटर क्रॉसिंग, फास्ट वाटर क्रॉसिंग मिला है, और वो भी बहुत ही छोटा, लेकिन ठीक ठाक ही है, मिल गया ना। ये देखो इधर नया मतलब मिट्टी पत्थर जो होता है ना, इधर ही काम चल रहे। और यही वाला क्या था? नहीं ये वाला नहीं था एक्चुअली, नहीं ये रास्ता मुझे बहुत याद आ रहा है, शायद मैंने कुछ दिन पहले इधर से गया था। मैं और भी कंफर्म हो जाऊंगा, क्योंकि आगे जाके ना एक छोटा सा कैफ़े टाइप का है, मतलब मोमोज कॉफ़ी खाए थे उधर, तो अगर वो मिल जाएगा मुझे तो मैं पक्का कंफर्म हूँ इसी रास्ते से हम गए थे, लेकिन फिर भी जाना पड़ेगा थोड़ा आगे। शायद बहुत ही जल्दी ये रास्ता और भी चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि देखो आप लोग देख सकते हो ये जो है ना, जो मिट्टी विट्टी भरा हुआ है सब काम चल रहा है अभी, इसके ऊपर मतलब अभी कच्चा ही है, लेकिन थोड़ी देर बाद दिन बाद शायद पक्का रोड बन जाएगा। और देखो ये जो मिट्टी विट्टी गिरा हुआ है ना, सब लैंडस्लाइड का है, मतलब 1.5-2 महीना पहले ही जो बारिश हो रहा था ना कंटिन्यू 1 हफ्ते से, उसी का रीज़न है ये। चलो फिर आ गया ऑफ रोडिंग थोड़ा कर, ओ माय गॉड बड़ा गाड़ी भी आ गया है। आराम से भाई, आराम से जाओ, ये थोड़ा रिस्क हो जाते। देखो इधर ना नीचे पूरा बालू भरा हुआ है, मतलब बहुत स्पीड होता है इसमें चक्का,
मतलब सोच लो एक बार, जैसे अक्टूबर महीने में इतना बारिश हुआ था क्या, कितना लैंडस्लाइड हुआ है बड़ा, जैसे अभी भी रास्ता का हालत देख के मुझे मालूम चल रहा है। मतलब उस टाइम लोकल पीपल्स का क्या हो रहा था, मतलब जो इधर से उधर जाने का आने का रास्ता भी बंद था पूरा ना, तो बहुत तकलीफ होता है उनको। थोड़ा इधर रुक गया क्योंकि थोड़ा टाइम स्पेंड करना है और ज़्यादा टाइम एक्चुअली अंदर बहुत ही जल्दी होने वाला है, तो मैंने सोचा ठीक है चलो एक ऐसे जगह पे जाके रुकना है और थोड़ा टाइम स्पेंड करना है तो कभी मज़ा आ जाएगा। तो और वो ये प्लेस है और दिस इज़ माय NS 200। लवली, कितना सालों से, मतलब 2017 से लेके अभी तक मतलब एकदम परफेक्ट चल रहे। देखो कभी कभी तो मिस यूज़ के लिए मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही है। तो भाई लोग हमारा फोटो खींच रहे और एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कौशिक, बता दो भाई तुम्हारा ट्रिप कैसा चल रहा है बता दो। एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया ना, ठीक। और है सिर्फ 14 किलोमीटर, ओनली 14 किलोमीटर टू गो। भाई इधर खड़ा है, आज ही बहुत रात हो गया, रात नहीं एक्चुअली मतलब अंधेरा हो गया, 6 भी नहीं बजा अभी, ठीक है। ऐसे विंटर टाइम है तो मतलब 5-10-15 से पूरा का पूरा अंधेरा हो गया था इधर। सीरियसली पूरा दिन का ट्रिप करने के बाद एक ऐसा प्लेस मिल जाएगा ना, मतलब दिल खुश हो जाएगा। पूरा दिन का जितना मेहनत था हमारा, जितना पसीना निकला था राइड के लिए, जितना तकलीफ हुआ है, सब कुछ मतलब एक चुटकी पे ना पूरा मिट गया, क्योंकि उस रीज़न है इस रूम के लिए। मतलब इतना महंगा नहीं है चीज़, और जो रूम का डिज़ाइन है, रूम में जो एटमॉस्फेयर है, काफ़ी महंगे है, ठीक है। क्योंकि मैं ज़रूर बताऊंगा, उसके पहले जो है रेट के बारे में बताऊंगा। जो हमारे पास रेट लिया गया है वो है 1350 पे। क्या क्या मिल रहा है 1350 में? हम लोग को मिल रहा है आज का डिनर और कल का ब्रेकफास्ट और इधर का लॉजिंग, मतलब फूडिंग प्लस लॉजिंग इंक्लूडिंग है। प्लस आपको मिलेगा नॉर्थ सिक्किम घूमने के लिए जो परमिशन का जो चार्ज होता है, ठीक है। अभी थोड़ा चार्ज इंक्रीज हुआ है तो इसके लिए परमिट चार्ज भी इसमें इंक्लूडिंग है। तो 1350 में क्या क्या मिल रहा है? फूडिंग मिल रहा है, लॉजिंग मिल रहा है और परमिट मिल रहा है नॉर्थ सिक्किम के लिए, मतलब गुरुदुम्बार 0.2 टोटल इंक्लूडिंग है। ओह यार सीरियसली मतलब बहुत ही कम पे मिल चुके हैं हमारा। और ये होटल है ना गुड्डू रेसिडेंसी है, मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मंगन में होटल है। जब भी इधर आयो मैं ज़रूर बताऊंगा। जब आने का टाइम गैंगटॉक में रुकना ही नहीं है, सिंगटॉम से लेके पूरा डायरेक्ट आ जाओ मंगन पे, बहुत शॉर्ट में हो जाएगा और आपका बहुत टाइम बच जाएगा यार। सीरियसली मैं तो पूरा टोटली फिदा हो गया इसमें। और अभी मैं दिखाता हूँ, ये है हमारा आज का रूम, ठीक है। ये है डबल बेड और इधर टीवी लगा हुआ है और एक अलमारी है। हमारा जो लागेज है, दोनों आदमी का लागेज इधर है और मेरा भी लागेज इधर है, मेरा टैंक बैग है, मेरा हेलमेट है। और क्या है पता है, इधर है ना बैल्कोनी है, बहुत ही ब्यूटीफुल बैल्कोनी है, लेकिन अभी बाहर का नज़ारा दिखाई नहीं दे रहा आपको क्योंकि अंधेरा है अभी। तो ये नज़ारा आपको मिलेगा कल नेक्स्ट एपिसोड में, जब हम लोग का नेक्स्ट एपिसोड कल मतलब थर्ड एपिसोड में बाहर से पूरा कितना अच्छा व्यू होता है पूरा आपको दिखाई देगा। तो ठीक है, तो चलो अभी ये वाला व्लॉग, ये वाला एपिसोड को मैं इधर ही ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी आएगा, तो जो बेल बटन होता है ना, बेल बटन प्रेस करके रखो, क्योंकि जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा, मैं थक गया हूँ बोलने वाले यार, जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा उसका जो नोटिफिकेशन है आप लोग का तुरंत मिल जाएगा, तो देख लेना बाहर का व्यू कैसा है और कल का राइड का जर्नी कैसा होता है। तो चलो खत्म करते हैं इधर ही खत्म।